दिखाने के लिए कि मान लीजिए कि हमारे शरीर का ये जहर है जो भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से हमारे शरीर में आ चुका है, जिसका सफाई हम कैसे करें। जैसे हम रोज मुंह धोते हैं, तो मुंह धोते हैं तो हम दिव्य करते हैं, कितना गंदा निकलता है जीभ से, लेकिन हमारा आंत में जो गंदगी भर रहा है रोज खाने के माध्यम से, उसका सफाई हम कैसे करते हैं, नहीं कर पाते। जब बहुत ज्यादा होता है, बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर कहने जाते हैं, फिर उसका दवा चलता है, है ना। दो मिनट समझ ये एलोवेरा क्यों पीना चाहिए, एलोवेरा क्यों पीना चाहिए, इसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। हमने पानी को गंदा किया बीटाडीन से, और 30 ml एलोवेरा अगर हम रोज पीते हैं तो ये गंदगी देखिए कहाँ जाए, अंदर का सफाई। एलोवेरा का काम है अंदर का सफाई, आंत का सफाई, जो हम नहीं कर पाते हैं। हम ऊपर ऊपर साफ हो जा रहे हैं, मुंह जीभ तक साफ कर लेते हैं, लेकिन आंत का सफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये एलोवेरा पीने से आपको ये बेनिफिट होगा। और यही नहीं, अगर सुबह में आप एलोवेरा पी लिए, दिन भर में कुछ भी खा रहे हैं, कचरा कचरा जो भी खा रहे हैं, चाट समोसा फालतू चीज, कोई असर नहीं करेगा, कुछ भी खाते रहिएगा। एक बार ये पिए हुए हैं वो अपना काम कर रहा है, एलोवेरा पीना चाहिए। अच्छे डॉक्टर से जब आप बात करेंगे तो आपको बोलेगा कि साल में बीमार पड़िए नहीं पड़िए, एलोवेरा का जूस आप 3 से 4 लीटर पी लीजिए। और हम लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह सो के उठिए और 30 ml एलोवेरा, 30 ml हिमालयन बेरी और तुलसी, रेगुलर रूटीन बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए। एक्स्ट्रा चीज हुआ, देखिए आप भोजन कर रहे हैं बहुत खर्चा हो रहा है, और बीमार पड़ते हैं तो उससे कहीं 10 गुना खर्च होता है, तो उससे बचना है तो थोड़ा सा ये सब आइटम को अपना लीजिएगा तो बीमार कम पड़िएगा, न के बराबर, अगर पड़ते भी है तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो इसका यूज करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए।